तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल टेक बलावा में स्वागत है। आज का इस वीडियो का माध्यम से हम लोग बात करेंगे पेटीएम करंट अकाउंट करने के बाद कितना दिन के बाद हमारे पास कॉल आएगा, लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाएंगे, कैसे हमारे पास कॉल आया था, कौन सा नंबर से कॉल आया था, सब भी आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो का माध्यम से। तो गाइस, इस वीडियो शुरू से लास्ट तक देना क्योंकि आपको पूरा जानकारी होना चाहिए पेटीएम करंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और पेटीएम करंट अकाउंट क्रिएट करने के बाद कितना दिन के बाद आपके पास कॉल आएगा, वो भी इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो गाइस, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक बाला बाबू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा के आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो गाइस, हम लोग जो हमारा यूट्यूब चैनल में लेके आता है वीडियो, सबसे रियल और सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता है, जो गाइस बहुत भाई लोग मेरे को कॉमेंट भी किया था पेटीएम करंट अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साइड में दे देंगे उसका लिंक, आप लोग उस वीडियो देख के आप जरूर ले सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट क्रिएट करने का सुविधा। तो मैं पिछले एक वीडियो बनाया था करंट अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करने का भी कैसे करना है, तो लॉगिन भी कर दिया था। तो लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ बात करेंगे और इंट्रोडक्शन करेंगे पेटीएम करंट अकाउंट करने के बाद कितना दिन के बाद कॉल आया था। तो आप लोग शायद मन में ये डाउट होगा मैं आप लोगों को फेक बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं रियल बात कर रहा हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से। जब भी आप करंट अकाउंट क्रिएट करेगा उसी के बाद आपको कम से कम तीन दिन से लेकर चार दिन तक करीब आपको पास कॉल आएगा जो पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से आता है। वो आपको पांच सवाल करेगा और पांच सवाल का आपको जवाब देना है। कौन सा नंबर से कॉल आया था मेरे पास वो भी आप लोगों को दे देंगे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसी नंबर पर आपको कॉल आएगा। तो आप लोगों को शायद उसी नंबर में कॉल आने को देख लेना, क्योंकि सबसे पहले आपको बताएंगे आप लोग पहले थ्रू कॉलर ऐप डाउनलोड कर लेना। थ्रू कॉलर ऐप डाउनलोड करने से ये फायदा होता है जब भी आप वो नंबर कॉल आएगा आपको पता हो जाएगा जो पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से कॉल आया है। तो मैं आप लोगों को ये लाइव में बता रहा हूँ कि जो मेरा पास पेटीएम पेमेंट बैंक जो करंट अकाउंट होता है क्रिएट करने के बाद चार दिन का अंदर मेरे पास कॉल आया था वेरिफिकेशन होने के लिए। जो आपको पेटीएम PBL जो होता है पेटीएम परफेक्ट स्टोर करने के लिए आपको चार दिन का अंदर कॉल आता है, वेरीफाई करेगा, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लगता है। आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट लेने के लिए। आपको पेटीएम परफेक्ट स्टोर करने के लिए पैसा लगता है, पेटीएम बीसी एजेंट लेने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। वह नियम लागू कर दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने और हम लोग आप लोगों को बताएंगे यही जो हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से लाइव हुआ है। और मैं रियल ऐसे करके एक बंदा को आईडी बना के दिया हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक का। जो आपको भी पेटीएम कार्ड अकाउंट करना है तो मेरे को आप जरूर कमेंट कर सकती है, नहीं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन होकर मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप करना नाम, क्योंकि बहुत भाई लोगों का प्रॉब्लम यही होता है करंट अकाउंट करने को नहीं होता है, करंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है बहुत भाई लोगों का प्रॉब्लम यही होता है करंट अकाउंट करने को मेरे को नहीं हो रहा है, करंट अकाउंट कैसे करना है सर प्लीज मेरे को हेल्प करो। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल के लिए वीडियो बनाएंगे और मैं आपको भी सहायता करेंगे, बहुत हेल्प भी करेंगे। तो मेरे को आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को व्हाट्सअप तो नहीं होता है, टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाना, मेरे को टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा मेरा एक लिंक। तो गाइस, टेलीग्राम में क्या होता है ना, मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए 1000-2000 आदमी के साथ एक ही साथ में बात कर सकता हूँ। तो देखो, मेरे को पर्सनली आप टेलीग्राम कर सकती है, मेरा टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन होने के बाद मेरे को पर्सनली आप मैसेज कर सकती है, जो मेरा करंट अकाउंट जो होता है बना के दो। करंट अकाउंट बहुत भाई लोगों को नहीं होता है, क्योंकि करंट अकाउंट जो होता है ना दो तरह से होता है। बहुत भाई लोग क्या करता है, उसमें थोड़ा टर्म एंड कंडीशन डाल के रखा है और टर्म एंड कंडीशन में बहुत भाई लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन उसका करंट अकाउंट नहीं बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को 100% गारंटी दूंगा करंट अकाउंट में आप लोगों को बना के दूंगा। करंट अकाउंट कैसे होता है मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप लोगों को मालूम नहीं हो तो मेरे को जरूर आप लोग टेलीग्राम में बात कर सकती है, इंस्टाग्राम में भी बात कर सकती है और मैं आप लोगों को बताएंगे करंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो जरूर मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकती है, व्हाट्सअप करेगा तो मैं आप लोगों को रिप्लाई देने को नहीं होता है, ओनली मेरे को टेलीग्राम करो, टेलीग्राम में आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम लिंक पे हमारा बहुत भाई लोग है, तो मैं आप लोगों को लाइव करके दूंगा आप लोगों को आईडी से करंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वो भी करंट अकाउंट कितना दिन का बाद आपका जनरेट होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैसे आपको उसमें फिक्स डिपॉजिट रखना है, सब भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे यही जो हमारा पास न्यूज आया है करंट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, करंट अकाउंट क्रिएट करने के बाद कितना दिन के बाद आपका मोबाइल में एक कॉल आएगा वेरिफिकेशन होने के लिए, जो पेटीएम बीसी एजेंट बहुत भाई लोग क्या होता है ना पेटीएम बीसी एजेंट लेने के लिए बहुत भाई लोग बहुत यूट्यूबर का साथ कांटेक्ट करता है, लेकिन उसको पैसा देने के बाद भी पेटीएम बीसी एजेंट नहीं मिलता है।
लेकिन मैं आप लोगों को 100% गारंटी देना चाहता हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक विसर्जन लेने के लिए कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है, पेटीएम परफेक्ट स्टोर करने के लिए पैसा देना पड़ता है, जो आप लोगों को लाइव में बता दिया था उससे पहले। पेटीएम परफेक्ट स्टोर जो होता है उसमें आपको 10,000 देना है, और पेटीएम विसर्जन के लिए आपको वो जो होता है पेटीएम विसर्जन वो आपका होता है 7,000, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। तो लेकिन मैं आप लोगों को बताएंगे करंट अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको पेटीएम विसर्जन के लिए कॉल वेरिफिकेशन होता है पेटीएम पेमेंट बैंक का तरफ से, ठीक है। वो आपको 5 सवाल करेगा, 5 सवाल आपको जवाब देना है, वो क्या क्या जवाब देना है वो भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो मेरे को सवाल किया था, फर्स्ट प्रश्न किया था विसर्जन लॉगिन का, बोलो पेटीएम विसर्जन के लिए आपको क्या क्या जान, बोलो क्या क्या होना चाहिए। एक आपको बताया था, तीन आपको क्वेश्चन बोलेगा, एक आपका बोलेगा स्मार्टफोन बीसी ऐप और आपका पेटीएम का एटीएम। तो आपको उस टाइम क्या करना है, तीन का जगह में आपको जो भी है आप एक डाल देना, वो तो आपको स्मार्टफोन होना चाहिए फर्स्ट, उसके बाद ही आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का विसर्जन ले सकती है। बाद में आपको बताएगा पेटीएम विसर्जन लेने के बाद कस्टमर का कितना साल का ऊपर आपको केवाईसी करना है। एक आपको बताएगा 18 साल 10 साल 16 साल, तो आपको कर देना है 18 साल, ठीक है। 18 साल करेगा तो आपको उसमें राइट आंसर होगा। तीन नंबर करेगा आपको केवाईसी करने के लिए आपको कितना पैसा लेना है फ्री में, और फ्री में 50 रुपीज और 150 रुपया आपको लेना है 50 रुपीज, ठीक है। आपको 50 रुपीज कर देना है, क्योंकि 50 रुपीज लेना है तो आपको अच्छा होता है, ज्यादा लेगा तब नहीं होगा। बाद में चार नंबर क्वेश्चन आएगा आपका पेटीएम कस्टमर केयर में, जब भी आप आपका ब्रांच में जब आएगा आपका केवाईसी स्टोर में आएगा उसी को आप कैसे व्यवहार करेगा, वो भी आपको बताएगा। आप अच्छा से व्यवहार करेगा ना बुरा से व्यवहार करेगा, तो आपको पता है ना आपको अच्छा कर देना है, तो आपको ये सब बोलेगा। तीन नंबर स्टेप आपको फॉलो करना है। अभी पांचवा नंबर जो है हमारा, इसमें आपको बताएगा पेटीएम पेमेंट बैंक में एक दिन में कितना तक ट्रांजेक्शन कर सकती है, अनलिमिटेड 25,000 10,000, तो आपको उसमें डाल देना है अनलिमिटेड, ठीक है। ऐसा करके आपको 5 सवाल पूछेगा, 5 सवाल का आपको जवाब देना है, और आपको उसके बाद तुरंत आपका मोबाइल में मैसेज आएगा सक्सेसफुल बोल के, ठीक है। तो मैं ऐसा एक एग्जाम दिया था, मेरे को कल एग्जाम दिया था, वो एग्जाम में मैं पास हुआ हूँ, मेरा नहीं है, मेरा एक फ्रेंड का, तो लेकिन मैं मेरा नंबर देके बना के दिया हूँ, लेकिन उसका नंबर बाद में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो गाइस वीडियो इतना है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिस्ट्रैक्ट कर देना, और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपको इस वीडियो का माध्यम से पूरा जानकारी हम लोग ऐसे रिलेटेड देते रहेंगे। तो गाइस हमारा चैनल में आपको ऐसा ही कॉन्टेंट का वीडियो मिलते रहेगा आप लोगों को, सबसे पहले सबसे